अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन इंशाल्लाह। आर टुडेज टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। सो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स इज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम। These are the only excretory structures in animal kingdom that are associated with digestive tract. तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कॉकरोच के अंदर जो कि उसके सर्कुलेटरी फ्लूड जो कि हीमोलिम्फ है उसमें से नाइट्रोजनस वेस को बाहर निकालती हैं, और ये सिर्फ एक ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच हैं। कहीं भी एनिमल किंगडम के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच नहीं है, सो आए कॉकरोच के अंदर मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के। सो द डेफिनेशन ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू टू। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स डेट इज इन कॉकरोच विच हैज बीन इंडिकेटेड विद प्रॉपर लेबलिंग। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच देन यू हैव टू ड्रा दिस डायग्राम टू विद प्रॉपर लेबलिंग, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। वेन वी स्टडी द एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स फर्स्टली वी विल स्टडी द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। बिफोर स्टडिंग एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस देर इज अ डेफिनेशन ऑफ नेफ्रोन। वॉट इज नेफ्रोन? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रोन। तो किडनी के अंदर बेसिकली जो काम करता है वो नेफ्रोन करता है, ठीक है। अब उसके बाद डेफिनेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट की। कंसिडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज, द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज प्राइमरी डन एट मेटाबॉलिक लेवल एंड दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी वेस्ट मेटाबॉलिक लेवल पे होते हैं जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है जनरेक्शंस में, उनमें जो वेस्ट बनते हैं, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिज्म है उसके रिजल्ट में जो वेस्ट बनते हैं उनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ सम ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इन ह्यूमंस। यूरिया एंड देन क्रिएटिन यूरिक एसिड, दीज आर सम ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन। नेक्स्ट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबोलिज्म एंड लिवर इज ऑल्सो द मेटाबोलिक क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन? Liver supports the excretory role of kidney by detoxifying many chemical poisons and produce ammonia, uric acid and urea from nitrogen of amino acids. तो लीवर का जो रोल है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो ये है कि बहुत से केमिकल पॉइजन जो हैं उनको डिटॉक्सीफाई करना, उनकी जो टॉक्सिटी है जो उनकी पॉइजन है उसको ख़त्म करना, ये लीवर का काम है। और जब वो केमिकल पॉइजन्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है उसके रिजल्ट में अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड बनता है, ये लीवर का बेसिक रोल है एक्सक्रीशन में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द यूरिया साइकिल विच इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब यूरिया साइकिल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन देयर। इन शॉर्ट यूरिया साइकिल क्या होता है? दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो साइकिल में एंटर होते हैं, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल यूरिया का बनाते हैं, राइट। अब एक अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन किसके साथ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर वो ऑर्निथीन बना देता है। ऑर्निथीन क्या है? एक अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑर्निथीन जो कि प्रीवियस साइकिल का प्रिकर्सर था उस ऑर्निथीन के साथ मिलके क्या बना देगा? सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन जो है वो दूसरे अमोनिया के साथ मिलके आर्जिनिन बना देगा, ठीक है। दो अमोनिया आए थे ना, तो एक अमोनिया ऊपर यूज हो गया, एक आर्जिनिन बनाने के लिए यूज हुआ। फिर आर्जिनिन जो है
वो आर्जिनेज एंजाइम से टूटता है और क्या बना देता है, यूरिया एंड प्रिकर्सर ऑर्निथिन फॉर द नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि अगले साइकिल के लिए ऑर्निथिन दोबारा चाहिए है ताकि सिट्रुलिन बने और साइकिल दोबारा चले, इसलिए यूरिया भी बन जाएगा और सिट्रुलिन भी और ऑर्निथिन भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन थी यूरिया साइकिल की। उसके बाद मेजर होमियोस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लीवर हैं, यहाँ से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन सिंथेसिस। नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे लीवर के फर्दर रोल्स बताए गए हैं, लाइक स्टोरेज, लीवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कन्वर्जन इज अनदर रोल ऑफ लीवर, लाइकवाइज देयर इज रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डिटॉक्सिफिकेशन, मैनी हार्मफुल केमिकल्स फॉर एग्जाम्पल फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स ईटीसी, तो ये वाले जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, लीवर क्या करता है कि ये किडनी की हेल्प करता है ताकि इन टॉक्सिन्स को ख़त्म किया जाए, इन हार्मफुल केमिकल्स को ख़त्म किया जाए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फ्रॉम फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल, तो यूरिया जो है वो अमोनिया की एक फॉर्म है, डिटॉक्सिफाइड फॉर्म, विच कैन बी रिटेन इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट्स देन अमोनिया एंड कैन बी एलिमिनेटेड विद 1 out of 10 क्वान्टिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया की नस्बत यूरिया जो है वो 1 out of 10 क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है इसकी, और ये इस तरह से बॉडी से एलिमिनेट होती है। देन इज द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम हेयर, द वेट ऑफ किडनीज अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट वाइल रिसीव 20% ऑफ ब्लड सप्लाइड विद ईच कार्डिक बीट, हर हार्ट बीट के साथ इसने ब्लड सप्लाई कितना ले लेना, 20% किडनी ने। उसके बाद है यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड यूरेटर, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। सो नेक्स्ट इज द डिफाइंड यूरिथ्रा, यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा विच एम्प्टीज नियर द वजाइना इन फीमेल्स और थ्रू द पेनिस इन मेल्स। तो यूरिथ्रा क्या होता है कि यूरिन बॉडी से जब भी रिमूव होगा वो यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव होगा, और ये यूरिथ्रा क्या है कि ये ब्लैडर यूरिथ्रा में ही ओपन होता है, और आफ्टर ऑल यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव होता है, राइट। सो स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा and the bladder control the urine in bladder, it is the function of sphincter muscles, इनका काम ये होता है कि ये यूरिन को ब्लैडर में कंट्रोल करते हैं, और होते कहाँ पे हैं ये मसल्स, जहाँ पे यूरिथ्रा और ब्लैडर दोनों मिलते हैं, दोनों का जंक्शन होता है। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड अ नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द टू रीजन्स ऑफ नेफ्रॉन, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नंबर 1 आउटर कॉर्टेक्स एंड नंबर 2 इनर मेडुला। व्हाट आर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, व्हाट इज देयर फंक्शन। सो द नेफ्रॉन्स अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला with their tubular system looping deep in inner medulla are juxtamedullary nephrons. These nephrons are specifically instrumental in production of concentrated urine. तो juxtamedullary nephron का काम क्या होता है कि ये concentrated urine produce करती हैं, यानी जिसके अंदर पानी कम होता है, जो dilute नहीं होता। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होती क्या है, जहां पे कॉर्टेक्स और मेडुला का बॉर्डर होता है वहां पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं, और इनर मेडुला के अंदर तक ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज द बोमेन कैप्सूल, इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप स्वेलिंग,
इट इज़ कॉल्ड बोमन कैप्सूल। तो हर नेफ्रॉन के अंदर इनर एंड जो है उसके अंदर कप शेप स्वेलिंग होती है, उसे हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल के इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक बॉल होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट इज ए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू पेल्विस। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एट द एंड पेल्विस के अंदर ओपन होती हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजर रेक्टा। इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म लूप ऑफ वेजल्स कॉल्ड वेजर रेक्टा। क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो हैं वो एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला होती हैं, और इनके अंदर जो एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिलरीज होती हैं वो मजीद एक्सटेंड करती हैं और एक लूप बना देती हैं वेजल्स का, उन्हें हम कहते हैं वेजा रेक्टा। वेल स्टूडेंट, दीज वर आर टूडेज टॉपिक्स। द अपकमिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।